मेरे ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। ये है हमारी आज की रेमेडी और ये कितनी पावरफुल हो सकती है इसका पता करने के लिए आपको इसे लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और इसके अंदर हमने जो चीजें डाली है ना वो किस कदर आपके बालों पे मैजिक कर सकती हैं इसका पता भी आपको इसके लगाने के बाद ही चलने वाला है। तो ज्यादा बातें हम करते नहीं है, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप लगाएंगे और रातों रात आपके बाल बहुत 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 लंबे बन जाएंगे। उसके लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है और जो मैं आप लोगों को प्यारी प्यारी सी रेमेडीज देती हूँ ना, इनको लगाना भी जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है, जो मुझे पता है आएगी ही आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का डीआईवाई। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल का। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और इसने, सच बताऊँ ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे बालों को, खास करके लंबा बनाने में। आप अगर अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं तो एलोवेरा का यूज आपको डेफिनेटली अपने बालों पर जरूर करके देखना चाहिए। एक बार जरूर इसे लगाइए एक महीने के लिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि हम सिर्फ एक बार के यूज की ही रेमेडी बनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कट लिया। उसका जेल सिर्फ आपको निकालना है। ग्रीन पार्ट अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं ग्रीन पार्ट आ गया, ग्रीन पार्ट, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होने वाला है। बस इसका जो येलो पार्ट होता है ना वो आपको नहीं लेना है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़हल के फूल। ये मैंने फ्रिज में रखे थे, 3-4 दिन पहले मैं इसको लेके आई थी और ये इसलिए हल्के से मुरझा गए हैं। इसके ऊपर का जो ये होता है ना, थोड़े से बीज बीज होते हैं हल्के से, ये आपको नहीं लेने हैं, इनको आपको निकाल देना है। और पीछे वाला जो इसका ग्रीन पार्ट होता है इसको भी निकाल देना है। जो हिबिस्कस होता है वो आपके स्पेशली रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस पावर होती है ना वो स्पेशली आपके रूट के ऊपर काम करेगी। अगर वो कमज़ोर हो चुकी हैं उनमें पावर डालने का काम करेगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 लिए हैं हिबिस्कस फ्लावर। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे इसके पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर इसका पाउडर भी नहीं है तो आप इसकी पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी पत्ते भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये जो प्यारा सा फ्लावर होता है ना, ये पूरा का पूरा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए। इसकी पत्ती भी, इसकी टहनियाँ भी, इसके फ्लावर भी। तो मैंने फ्लावर इसके अंदर डाल दिया है। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स होगा वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके बालों को मोटा बनाने का काम करेगा। और ये है जी फ्लैक्स सीड। सिर्फ थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सिर्फ आधा चम्मच के करीब। और जितना ये शाइनी है इतना ही शाइनी ये आपके बालों को बना सकता है, इतना ही अच्छा ये बेहतर आपके बालों को बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों को पावरफुल बनाने का काम करती हैं। तो मैंने तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा थोड़ा सा ही पानी आपको डालना है, आधे से भी कम गिलास आपको पानी डालना है और फिर मैं इसका लीड लगा दूंगी और मैं इसको मिक्स बिल्कुल अच्छे से, इसका एक प्यारा सा महीन सा पेस्ट हम यहाँ पे इसका बना लेंगे, जो कि मैंने बना लिया है। आप देख लीजिएगा, ये हमारी रेमेडी बनके तैयार है। ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी आपकी, थोड़ी सी रनी हो जाएगी जैसे जेल होता है ना, क्योंकि जो हिबिस्कस होता है ना उसके अंदर जेल होता है। जी हाँ, जब आप हिबिस्कस के फ्लावर को अगर सिंपली भी रब करेंगे ना तो उसमें से जेल निकलता है। तो इसे आपको छान लेना है। अगर आप बिना छाने लगाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बालों में अटक जाएंगे और फिर वो निकाले हुए भी नहीं निकलेंगे। चाहे आप कितना भी पानी डालें, कितना भी कॉम करें, वो आपके बालों में देखिए अटक ही जाएंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड भी जो हमने डाला इसके अंदर। तो फिर इसको अच्छे से बिल्कुल सारा जो पानी है, इसका जो पावर है, वो सारी आपको कटोरी के अंदर डाल लेनी है, छान लेना है बिल्कुल अच्छे से, कपड़े के साथ छान सकते हैं। और बिल्कुल इतनी सिंपल होम रेमेडी है, लेकिन जब आप इसका यूज करेंगे, अपने बालों को इसे खिलाएंगे ना, तो आपके बाल बिल्कुल खुश होने वाले हैं, आपके बाल बिल्कुल अच्छे बन जाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारी रेमेडी का कलर है। ये हल्की सी, मैंने बोला था ना कि ये जेल टाइप बन जाएगी, तो ये हल्की सी जेली टाइप बनी है, लेकिन बहुत ही कलर देखिए आप इसका, कितना प्यारा सा कलर है ना। तो यही कलर तो आपके बालों पे कमाल करेगा। और हाँ, ये आपके बालों में थोड़ी सी डार्कनेस देने का भी काम करेगी, क्योंकि हिबिस्कस और जो एलोवेरा है वो बालों में थोड़ी सी ब्लैकनेस लेके आता है। फिर मैं यहाँ पे एसेंशियल ऑयल का यूज करूंगी। देखिए, एसेंशियल ऑयल की जब भी बात आती है ना, तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर हैं आपके पास तो ऑफकोर्स उनको डालिए, क्यों रखे हुए हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल आप डाल के यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसेंशियल सिनेमन एसेंशियल ऑयल डाला है, जो आपके फंगल इन्फेक्शन को, आपकी स्कैल्प को ट्रीट करेगी। जिस भी, जैसे आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं उसको ट्रीट करेगी, आपके बालों को हेल्दी बनाएगी, स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी। और जिस रेमेडी में आप एसेंशियल ऑयल डाल के लगा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए वो रेमेडी
खुद ब खुद एक पावरफुल रेमेडी बन जाती है। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल्स नहीं हैं तो होने चाहिए, वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। एसेंशियल ऑयल ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ सिंपल ऑयल में भी डाल के लगाएंगे ना तो आपको DIY की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसे कैसे यूज करना है। इस रेमेडी को मैं लगाने वाली हूँ अपनी गुड़िया के बालों पे, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी के बाल भी उसी के जैसे घने लंबे अच्छे बने। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी कसर ना छोड़ूं जिससे कि ये बड़ी होकर मुझे ना बोल पाए कि आपने मेरे बालों की केयर नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि अगर मैं आप लोगों को अपने बालों पे लगा के नहीं दिखा रही हूँ तो आप इस पे विश्वास ना करें। देखिए ये बच्चा है और अगर हम बच्चे पे कोई ऐसी वैसी चीज लगा देंगे ना तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बालों पे लगा के दिखा रही हूँ कि बिना झिझक के विश्वास करके आप, चाहे मैं अपने बालों पे अप्लाई करके दिखाऊं आपको, चाहे मैं मन्नी के बालों पे, आपको लगानी ही लगानी है, क्योंकि इन रेमेडीज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप इसको लगातार लगाएंगे आपको तभी मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से जैसे हम पैक लगाते हैं वैसे आपको अपने बालों पे लगा लेना है। चाहे आपके बाल कैसे भी हैं, ऑयली बाल हैं, ड्राई बाल हैं, हर एक बाल के लिए ये सूटेबल है। आप इस रेमेडी को रात में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये हल्की सी स्टिकी है, हल्की सी चिपचिपाहट है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने गुड़हल के फूल डाले हैं तो वो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है जब हम उसको रेमेडी के तौर पे लगाते हैं तो मिक्स करके। तो इसीलिए रात में नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अपने हेयर वॉश करने के एक घंटे पहले अपने बालों पे लगाना है, मसाज करनी है, पूरी हेयर लेंथ पे आपको लगा लेना है। और हाँ, पोलोथीन पहनना, शावर कैप पहनना मत भूलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पैक कंसिस्टेंसी में, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है और जब आप इसको उतारेंगे हल्का सा टाइम लेगा ये उतरने में। लेकिन अगर आप शावर कैप लगा लेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसको सूखने का टाइम नहीं मिलेगा, ये अंदर के अंदर गीला रहेगा और आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो शावर कैप लगाना कंपलसरी है। फिर आप जैसे ही अपने बालों को वॉश करेंगे ना तो एकदम से जैसे कोई हीरा चमकता है ना, आपके बालों में आपको ऐसी चमक दिखाई देगी कि खुद हैरान रह जाएंगे आप वाकई में। और जब आप इसको लगातार यूज करेंगे, एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, तो आपके बाल इतने हेल्दी बन जाएंगे, आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी और आपके बाल मोटे भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारा यही काम करने वाले हैं कि वो एक एक बाल को हेल्दी बनाने वाले हैं। इस रेमेडी को जरूर यूज करना है, 100% यूज करना है। बच्चों पे यूज कर सकते हैं, खुद पे यूज कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा हमारा प्यारा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको जरूर लगाइएगा। आपका जो भी फीडबैक होता है वो मेरे साथ आपको जरूर शेयर करना है। ये था आज का वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। बाय बाय।